हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नियो कॉमिक्स। मैं हूं आपका होस्ट मनीष और आज मैं लाया हूं आप सबके लिए एक और अनबॉक्सिंग वीडियो। एंड आज का अनबॉक्सिंग बहुत ही धमाकेदार होने वाला है बिकॉज इस पैकेज के अंदर है कुछ दुर्लभ नगीने। जी हाँ दोस्तों, कुछ बहुत ही रेयर इंडियन कॉमिक बुक्स है इस पैकेज के अंदर। सो बिना देरी किए चलिए फटाफट इसे अनबॉक्स करते हैं। सो दोस्तों, ये जो कॉमिक्स आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये फेसबुक पर एक ग्रुप में मुझे निष्कर्ष नाम का एक फेलो कॉमिक बुक लवर मिला एंड ही वाज सेलिंग सम ऑफ हिज कलेक्शंस। सो आई मैनेज टू गेट अ होल्ड ऑफ दिस कॉमिक्स। हालांकि परशु नाम का जो कॉमिक्स था अंडर ऑरेंज रेडियस पब्लिकेशन, वो भी काफी टाइम से आउट ऑफ प्रिंट, आउट ऑफ स्टॉक है एंड वो भी उसके पास अवेलेबल था, बट अनफॉर्चुनेटली मैं थोड़ा लेट कर दिया एंड समवन एल्स बॉट दोज एंड आई वाज लेफ्ट विद दिस। बट anyway, इस स्टैक में भी ऐसे बहुत सारे रेयर कॉमिक्स हैं जिन्हें आज के डेट पर मिलना बहुत मुश्किल है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स टेक अ लुक इनसाइड ईच वन ऑफ देम वन बाय वन। सो ये रहा 40 सूफी कॉमिक्स। इसके बारे में मुझे खास कोई जानकारी नहीं है। आई विल टेक अ लुक इनसाइड, वेरी अंडरवेलमिंग लुकिंग। सो या वी आर ऑफ टू विथ अ बैड स्टार्ट। एनीवे, नेक्स्ट वी हैव रिवॉल्ट का एक एक्सक्लूसिव कन्वेंशन प्रीव्यू। सो दिस इज नॉट बेसिकली अ कम्प्लीट कॉमिक या सिंगल इशू, लेट मी जस्ट गिव यू गाइज अ ग्लिम्सेस फ्रॉम दिस वन। रोवॉल्ट से ही हमें एवियो 9 मिला था, इफ यू कैन रिमेम्बर। इसके अंदर भी एक एवियो 9 है, एवियो 9 वॉल्यूम 2, तो उसके तरफ हम लोग बाद में नजर डालेंगे। पहले इसे देख लेते हैं थोड़ा। सो एवियो 9 का प्रीव्यू पेजेस है ये। एरेन, सो ये तीनों कॉमिक्स का प्रीव्यू है। एरेन और मेटाफ्रिक्स, ये दोनों तो पब्लिश हुआ ही नहीं। एवियन 9 का टोटल 6-7 वॉल्यूम्स था, बस दो ही पब्लिश हुआ था। सो आई डोंट एग्जैक्टली नो व्हाट हैपेंड विथ रोवॉल्ट। रोवॉल्ट एक नए अवतार में वापस आने का कोशिश कर रहा है। आई हैव गॉटन सम इन्फॉर्मेशन कि एक नया वेबसाइट बिल्ड किया गया है। सो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वेबसाइट का लिंक दे दूंगा। रोवॉल्ट इज बीइंग रीमेड, आई गेस दे आर ट्राइंग टू मेक अ कमबैक और समथिंग। आई डोंट नो फॉर श्योर, आई नीड सम सॉलिड इंटेल अबाउट दैट। सो अंटिल देन लेट्स टेक अ लुक एट सम ऑफ द मोर पेजेस। ललित शर्मा का आर्टवर्क लग रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मार्क बैगली वाला स्टाइल है काफी। जी हाँ, आर्ट बाय ललित कुमार शर्मा। This is Metafreaks. Artwork तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है दोस्तों। I don't exactly know कि ये publication के साथ ऐसा क्यों हुआ। Why didn't they put out more content? Because Avion 9 Volume 1 was very promising. Next, Blind Spot from Orange Radius, the same publisher who gave us Parshu. तो चलिए, here is Blind Spot. थोड़ा अंडरवेलमिंग है आर्टवर्क। इट्स नॉट टेरेबल बट इट्स नॉट दैट गुड आइदर। एनीवे, इंडियन कॉमिक्स एक रेयर आइटम एंड बीइंग अ कलेक्टर आई एम, ये मेरा कलेक्शन में रखना बनता है। नेक्स्ट इज एडवेंचर्स मिशन टू मार्स। थोड़ा थका हारा कंडीशन है, थोड़ा कार्टूनी वाला आर्ट स्टाइल है इसमें। सो एक वन शॉट है बिकॉज देयर इज अ दी एंड। ये शायद एक और स्टोरी है। सो या नाउ वी हैव द शो स्टॉपर ऑफ टुडे, एवियन 9 वॉल्यूम 2, द रेस टू रेवलेशंस। सो मेरे पास ऑलरेडी वॉल्यूम 1 था and I was literally blown away by the content this presented to me. Shamik Dasgupta is the writer and Abhishek Malsoon is the artist. So they have done a fantastic job, a great duo. Bahut hi badhiya content tha dosto.
अगर अभी तक आपने इसे नहीं पढ़े हैं, आई हाईली सजेस्ट यू डू। हेलबुक मैन पर इट वॉज अवेलेबल, आई डोंट नो इफ इट इज एनी मोर, क्योंकि काफ़ी डिमांड में था ये। सो वॉल्यूम 2 बहुत ज़्यादा रेयर था, वॉल्यूम 1 तो रेयर था ही, एंड देर आर 4 मोर वॉल्यूम्स आफ्टर दिस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड वो सारे तो प्रिंट भी नहीं हुए, बस 2 ही प्रिंट हुए थे। सो या लेट्स टेक अ लुक इनसाइड द सेकेंड वॉल्यूम, रेस टू रेवलेशंस। ब्रांड न्यू कंडीशन में है ये, एंड दोस्तों टू बी ऑनेस्ट बहुत ही बढ़िया प्राइसिंग में मुझे मिला ये कॉमिक्स, एंड या आई गेस आई गॉट वेरी लकी कि और कोई क्लेम करने से पहले आई गॉट माई हैंड्स ऑन दोस। बाइंडिंग थोड़ा वीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत वीक है इनफैक्ट, तो इसको पूरा निकाल कर रिबाइंड करना पड़ेगा जितना मुझे लगता है, कर लूँगा कोई बात नहीं। रेयर आइटम मिला है अच्छे, यू नो, ब्रांड न्यू कंडीशन में, बस बाइंडिंग का इशू है तो इतना तो झेल ही सकते हैं। या सो इसके पीछे थोड़ा काम करना पड़ेगा, कर लेंगे। नेक्स्ट चैरियट कॉमिक्स का एक व्रिका इशू 2, ये भी बहुत रेयर है। आई थिंक फेनिल कॉमिक्स इज द ओनली प्लेस वेयर दिस इज अवेलेबल एनी मोर। काफी बिलो एवरेज आर्ट वर्क है, बहुत ज्यादा बिलो एवरेज है। व्रिका का जो मेन ट्रायलॉजी है उसका थर्ड पार्ट बहुत जल्द आने वाला है, थोड़ा डिलेज हो रहा है फिलहाल, बट आई गेस इन अ कपल ऑफ वीक्स वील गेट इट इन आवर हैंड्स। सो लेट्स सी और कितना डिले होता है। सो दिस इज व्रिका, बर्न सिटी बर्न। उसके बाद और एक चैरियट कॉमिक जिसका नाम है टेम्पलर इशू 1, एंड कवर आर्ट तो बहुत डिटेल्ड है, इट लुक्स रियली नाइस, बैक कवर भी फैंटास्टिक है, एंड सो इज द इनसाइड आर्टवर्क। वाओ, चैरियट कॉमिक्स की तरफ से इतना बेहतरीन आर्टवर्क एक्सपेक्ट नहीं किए थे। ये भी काफी टाइम से आउट ऑफ प्रिंट है एंड आउट ऑफ स्टॉक है, सो यह अ वेरी रेयर आइटम गाइज, लुक आउट फॉर दिस। आई थिंक आई विल रीड इट वेरी सून, काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, एंड गुड आर्टवर्क इज ऑलवेज अ चेरी ऑन द टॉप। नेक्स्ट डैम्ड इशू 1, चैरियट का एक ऑलरेडी शायद डैम्ड नाम का कॉमिक्स है, बट इट वॉज इन अ मच स्मॉलर डायमेंशन, एंड आई थिंक दिस टू आर वेरी डिफरेंट, दिस डैम्ड इज अ लॉट डिफरेंट फ्रॉम दैट वन। गिव मी अ सेकंड, लेट मी ब्रिंग इट टू यू गाइस। जी हाँ, ये रहा डैम्ड छोटा वाला। इसमें भी बहुत ज़्यादा बिलो एवरेज आर्टवर्क आपको देखने के लिए मिल रहा है, इतना बड़ा फॉर्मेट में ऐसा आर्टवर्क प्रिंट करना वॉज नॉट रियली अ वेरी ब्रिलियंट मूव इन माई ओपिनियन। सो या, एंड एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सिल्वर जुबली एडिशन फ्रॉम राज कॉमिक्स। सामने है नागराज, पीछे है सुपर कमांडो ध्रुव इशू 1 प्रतिशोध की ज्वाला, एंड दिस इज नागराज इशू 1। नागराज, वाह, बहुत टाइम से इसे मैं ढूंढ रहा था, इससे पहले मेरे पास जो था ये उसका कंडीशन बहुत थका हरा सा था, सो इसका कंडीशन कंपैरेटिवली मच मच बेटर है। सो या, इट्स ग्रेट। सो गाइस, बेसिकली यही था आज का अनबॉक्सिंग एंड ओवरव्यू ऑफ सम ऑफ द रेयर एंड वेरी रेयर इंडियन कॉमिक्स। सो होप यू गाइज हैव लाइक्ड इट। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो गलती से भी नहीं भूलिएगा। सो गाइज, मिलता हूं मैं आप लोगों से अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।